टीवी के हिट शो सीआईडी में फ्रेडी की भूमिका निभाकर फेमस होने वाले एक्टर दिनेश फडणीस का 4 दिसंबर को निधन हो गया था। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण 57 साल के दिनेश फडणीस को बचाया नहीं जा सका। उनके निधन से इस वक्त पूरी इंडस्ट्री गमगीन है। वहीं दिनेश फडणीस अपने पीछे अपनी पत्नी और बेटी को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। एक्टर के परिवार का इस समय रो रोकर बुरा हाल है। उनकी पत्नी, जिन्होंने हाल ही में 20 नवंबर को दिनेश फडणीस संग शादी की सालगिरह मनाई थी, एक पल में ही उनकी दुनिया उजड़ गई है। बता देते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में आने से पहले ही दिनेश फडणीस ने नैना फडणीस से शादी कर ली थी। हाल ही में कपल ने 20 नवंबर को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी, लेकिन किसने सोचा था कि ये वेडिंग एनिवर्सरी मनाने के 15 दिन बाद ही दिनेश फडणीस घर परिवार को यूं रोता और बिलखता छोड़ जाएंगे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। आप कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। और नई अपडेट के लिए अंश न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।